उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत द्वारा महिलाओं के पहनावे को लेकर जो बयान दिया गया है उस पर विवाद बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर इस बयान पर बहस छिड़ गई है, तो वहीं राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का भी अंबार लग गया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने तीरथ सिंह रावत के बयान पर तीखा हमला बोला है। महुआ मोइत्रा के अलावा प्रियंका चतुर्वेदी ने भी तीरथ सिंह रावत पर निशाना साधा है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्विटर पर लिखा कि उत्तराखंड सीएम कहते हैं जब नीचे देखा तो गम बूट थे और ऊपर देखा तो एनजीओ चलाती हो और घुटने फटे दिखते हैं। सीएम साहब, जब आपको देखा तो ऊपर नीचे आगे पीछे हमें सिर्फ बेशर्म बेहुदा आदमी दिखा। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आगे लिखा कि राज्य चलाते हो और दिमाग फटे दिखते हैं। को बता दें कि ना सिर्फ महुआ मोइत्रा बल्कि कई राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से तीरथ सिंह रावत के बयान की निंदा की गई है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया पर तीरथ सिंह रावत के बयान की आलोचना की जा रही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि देश की संस्कृति और संस्कार पर उन आदमियों से फर्क पड़ता है जो महिलाओं और उनके कपड़ों को जज करते हैं। सोच बदलो मुख्यमंत्री जी, तभी देश बदलेगा। बीते दिन आए बयान के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छिड़ी। इतना ही नहीं, तीरथ सिंह रावत के बयान के विरोध में सोशल मीडिया पर एक नया हैशटैग चल रहा है, #RippedJeansTwitter। बता दें कि तीरथ सिंह रावत हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। उनका एक बयान कल ही सामने आया था, जहां वो महिलाओं के फटी जीन्स पहनने को लेकर टिप्पणी कर रहे थे और कह रहे थे कि ये कैसे संस्कार हैं। तीरथ सिंह रावत ने युवाओं के पश्चिमी सभ्यता की ओर आकर्षित होने और संस्कार सीखने को लेकर भी बयान दिया था, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार नगरी .in।